हम आपके सामने एक नया टॉपिक से लेकर आए हैं जिसका नाम है सर्कल, जिसको हिंदी में कहते हैं वृत्त। आप लोग सुने हैं, आप लोग के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो क्लास 10 या 9 के बच्चे हैं। क्लास 9 और 10th में हम लोग अक्सर जो है वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में होता है, राइट। तो बच्चों जो है हम लोग देखेंगे कि सर्कल में कौन कौन सा पॉइंट जो है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आप लोगों का आ सकता है। और ये जानकारी जो है अगर नहीं रहेगा तो आप लोग क्वेश्चंस को अटेंड नहीं कर पाएंगे, आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉइंट्स इस चैप्टर के लिए यानी सर्कल चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट से हैं। तो हम एक एक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आप लोगों को जहाँ समझ में नहीं आएगा कृपया आप लोग का कमेंट सेक्शन में जो है बताएंगे कि यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आया है या फिर इस पॉइंट पर दिक्कत आ रहा है या डाउट है, तो फिर जो है हम आपकी डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकें और आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से जो है कुछ जो है हासिल कर सकें। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है सर्कल, आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा था सर्कल यानी वृत्त। सर्कल होता क्या है, पिछले वीडियो में मैंने सर्कल के बारे में कुछ बताया था कुछ हद तक, और आज जो है उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि सर्कल मैंने बताया था, सर्कल जो है इसको हिंदी में वृत्त कहते हैं। सर्कल होता क्या है, सर्कल बेसिकली जो होता है वो एक बहुत सारे पॉइंट्स के ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स के ग्रुप्स होते हैं और वो पॉइंट्स आपस में मिलते हैं। और वो कैसे मिलते हैं, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर मिलते हैं, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर मिलते हैं, तब जाकर वो क्या बनता है, सर्कल बनता है। उस फिक्स्ड पॉइंट से ये जो पॉइंट्स होते हैं इक्वली डिस्टेंट होते हैं हर एक पॉइंट्स, और ये कितने पॉइंट्स मिलकर बने होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलकर बने होते हैं। जो सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स जो दिख रहे हैं, यहाँ पर जो लाइन दिख रहे हैं, ये बेसिकली पॉइंट्स से मिलकर बने होते हैं और ये पॉइंट्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। ये इनफाइनाइट याद रखना है, इनफाइनाइट यानी अनंत, अनंत बिंदु होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं सर्कल के, इसका नाम होता है केंद्र, जिसे इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। जो इस सर्कल का फिक्स्ड पॉइंट होता है उसका नाम क्या है, सेंटर यानी केंद्र। इस सेंटर से वृत्त के जो लाइन बनते हैं पॉइंट से मिलकर वहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं त्रिज्या यानी रेडियस, ओके। यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा, मेरी बात समझ में आ रही होगी, यानी मेरी वॉइस जो है आप लोगों के पास जा रही होगी और क्लियरली जा रही होगी, जहाँ तक हमें आशा लगता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आगे देखेंगे कि जो फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसे हम केंद्र कहते हैं या सेंटर कहते हैं, वहाँ से ये जो लाइन बनी है सर्कल की, जो लाइन है वहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस कहलाता है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, ओके। वही अगर केंद्र से इस ओर अगर खींचें, इस ओर खींचें, तो वृत्त की जो ये लाइन है यहाँ पर कटेगा, पहले यहाँ कटा इधर से और ये यहाँ से कटा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यानी इस लाइन पर एक छोर से दूसरी छोर को काट रही है और वो वृत्त के जो केंद्र है उससे होकर गुजर रही है, तो इसको जो है हमें कहते हैं डायमीटर, यानी इस वृत्त का, इस सर्कल का ये डायमीटर, जिसे हम हिंदी में व्यास कहते हैं, और इसे डी से डिनोट किया जाता है, डी से इसे सूचित करते हैं हम लोग, किसको, डायमीटर को यानी व्यास को, किसके, वृत्त के व्यास को। और यहाँ पर मैंने ये देखा था पहले कि जो केंद्र से दूरी होती है परिधि तक, इसे हम परिधि कहते हैं, जो वृत्त के लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, परिधि यानी सर्कमफेरेंस, एक पॉइंट से लेकर एक पूरे राउंड, यानी यहाँ से लेकर स्टार्ट करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी उसे सर्कमफेरेंस कहते हैं, इस वृत्त का यानी परिधि कहते हैं, ओके।
इस परिधि पर एक छोर से दूसरे छोर को वृत्त से होकर अगर जाए कोई लाइन, तो इस लाइन को डायमीटर कहता है, जिसे हम हिंदी में व्यास कहते हैं, ओके, और इसे हम डी से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर हम डायमीटर और जो रेडियस है इनके बीच में हम रिलेशन देखेंगे, संबंध देखेंगे, क्या रिलेशन होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, हमने पहले ही कहा था कि फिक्स्ड पॉइंट से यानी इस लाइन की यानी वृत्त की जो सर्कमफेरेंस या परिधि होती है वो इक्वी डिस्टेंस होता है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इक्वी डिस्टेंस है, यानी ये डबल हो गया, ये भी आर कह सकते हैं, ये आर है तो ये भी आर कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डी जो है वो आर का यानी त्रिज्या का दुगुना हो रहा है, यहाँ एक आर है, यहाँ एक आर है, ये पूरा जो है वो डी है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो डायमीटर है यानी व्यास है। और हम देख सकते हैं कि जो डी है यानी डायमीटर जो है वो त्रिज्या का दुगुना है, ओके, त्रिज्या का दुगुना। वही अगर त्रिज्या का रिलेशन डायमीटर के साथ पूछे तो वो डायमीटर का आधा हो जाता है, डायमीटर का आधा हो जाता है, यानी जो त्रिज्या होगी इस वृत्त की वो डायमीटर की आधा हो जाएगी। हम कहीं से भी खींचेंगे वो त्रिज्या ही कहलाती है, इस केंद्र से कहीं किसी भी पॉइंट पर अगर खींचेंगे हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसे त्रिज्या कहा जाएगा यानी रेडियस कहा जाएगा। आगे हम देखेंगे, जैसे ये एक वृत्त है, एक सर्कल है, अब किसी सर्कल पर या किसी सर्कल के जो सर्कमफेरेंस होते हैं कोई लाइन, उसे दो बिंदु से, बिंदु को काटकर या दो बिंदुओं से होकर गुजर रही है, तो उसे हम इस वृत्त की जीवा कहलाते हैं, इस वृत्त की जीवा कहते हैं, यानी उसे इंग्लिश में कॉर्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉर्ड। यहाँ पर जो हम लिखे हैं लाइन पी क्यू वो इस वृत्त का कॉर्ड कहलाता है यानी जीवा कहलाता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ये जो कॉर्ड है इस वृत्त को दो भाग में डिवाइड किया है, एक ये वाला पार्ट, ये पार्ट, दूसरा ये छोटा वाला पार्ट। ये देखो ये वाला बड़ा पार्ट है जो इस कॉर्ड ने इस वृत्त को दो टुकड़े में डिवाइड किया है, एक टुकड़ा छोटा है, एक टुकड़ा बड़ा है। तो जो बड़ा टुकड़ा होता है, जो बड़ा भाग होता है, उसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं यानी मेजर सेगमेंट, इंग्लिश में इसे मेजर सेगमेंट कहते हैं। और जो छोटा पार्ट होता है यानी छोटा भाग होता है, उसे हम माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए दो पॉइंट्स हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, कहाँ पर, सर्कमफेरेंस यानी जो सर्कल है, जो वृत्त है उसके परिधि पर हम दो पॉइंट लेते हैं और दो पॉइंट को अलग करते हैं। तो ये जो सर्कमफेरेंस, ये छोटा वाला जो पार्ट है सर्कमफेरेंस का, परिधि का जो छोटा वाला पार्ट है, उसे माइनर आर्क कहते हैं यानी लघु चाप कहा जाता है। और जो बड़ा बड़ा जो चाप होता है, राइट, ये जो बड़ा परिधि का चाप है, उसे हम दीर्घ चाप कहते हैं यानी मेजर आर्क कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप लोग कह सकते हैं, हमें आशा है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं बच्चों, स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे की वीडियोज़ आप मिलती रहेगी, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे देखेंगे, हमने यहाँ देखा दीर्घ चाप, लघु चाप, जीवा, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, सेंटर, त्रिज्या, रेडियस, सर्कमफेरेंस, डायमीटर, यहाँ तक हो गया। आगे देखेंगे, अगर बच्चों इस वृत्त में केंद्र से दो त्रिज्या खींचते हैं और इस दोनों त्रिज्या और एक आर्क लेकर एक पार्ट डिवाइड करते हैं, जो ये पार्ट डिवाइड हो रहा है, उसी तरह से ये बड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है, तो इस बड़े पार्ट का, इस बड़े भाग का नाम दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है और इस छोटे भाग का नाम लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, आगे देखते हैं, इस एक वृत्त में मान लीजिए कोई एक वृत्त है, अब उस वृत्त से कोई एक लाइन एक पॉइंट से
टच करके यानी छू करके गुजर रहा है। कितना पॉइंट? ओनली वन पॉइंट, वन पॉइंट से, एक से ज़्यादा नहीं। अगर एक पॉइंट से होकर, एक पॉइंट को टच करके अगर इस वृत्त को टच करके जा रहा है एक पॉइंट से, तो उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन। ठीक है, वन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी टेंजेंट लाइन पर अगर वृत्त से कोई लाइन खींचते हैं, उसी टेंजेंट पर जहाँ पर वो टच किया है, जो टेंजेंट लाइन यानी स्पर्श रेखा, कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा जो होती है, हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं। तो अगर केंद्र से उस पॉइंट पर अगर मिलाते हैं उस पॉइंट को, तो वो टेंजेंट पर अभिलंब होगा, या लंब कह सकते हैं, वो लंब होगा यानी परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर ये इस लाइन पर, यानी अगर इसका नाम दें पी क्यू, तो ये नाम दें ओ एम, तो ओ एम लाइन पी क्यू पर परपेंडिकुलर होगा। ओ एम पी क्यू पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जब भी कोई स्पर्श रेखा होती है, टेंजेंट लाइन होती है, और वो टेंजेंट लाइन जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु पर अगर केंद्र से उस बिंदु पर कोई लाइन खींचा जाता है, तो वहाँ पर जो है वो लंब होती है यानी परपेंडिकुलर होती है। और जब परपेंडिकुलर किसी लाइन पर होता है, तो उस लाइन के साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। याद रखेंगे कि अगर कोई लाइन किसी लाइन पर अभिलंब हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, तो उस लाइन पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगर कोई लाइन इस वृत्त के सर्कमफेरेंस पर या किसी परिधि पर, वृत्त के परिधि पर दो पॉइंट पर कटे, कहाँ पर? दो पॉइंट पर। ठीक, ए बी लाइन जो है ए और पी पॉइंट पर, वृत्त के ए और पी पॉइंट पर काट के जा रहा, गुजर रहा है, तो इस लाइन को हम सेकेंड लाइन या छेदक रेखा कहा जाता है। इस वृत्त का ये सेकेंड लाइन या छेदक रेखा कहा जाता है। ओके बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें से कोई भी पॉइंट जो है आप लोगों की समझ में, या अगर समझने में कोई दिक्कत हो रही है या हुई है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चंस पूछे आप लोग से कि एक वृत्त से कितने टेंजेंट लाइंस गुजर सकते हैं, एक वृत्त से, एक या वृत्त पर, एक सर्कल पर कितने टेंजेंट लाइन गुजर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट यानी अनंत। कितना? अनंत। ओके, आप लोगों को यहाँ पर जो है क्वेश्चंस पूछा गया था कि कोई एक वृत्त है और उस वृत्त से कितने टेंजेंट लाइन गुजर सकते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, इसका आंसर, अगर एक बाहर में पॉइंट है, इस वृत्त के बाहर में एक पॉइंट है, बाहर वाले पार्ट को एक्सटेरियर पार्ट कहते हैं, इस वृत्त का एक्सटेरियर पार्ट, इसको कहते हैं हिंदी में बहिर्भाग, बहिर्भाग। ये वृत्त है, ये वृत्त के अंदर वाले पार्ट को अभ्यंतर कहते हैं, हिंदी में अभ्यंतर, और इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटीरियर पार्ट यानी अभ्यंतर। तो अगर बात करें, अगर हम कहें कि इस वृत्त के बाहर कोई एक पॉइंट है, और क्वेश्चन पूछा जाए कि इस बाहर वाले पॉइंट से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, मान लीजिए ये कोई स्पर्श रेखा है और दूसरी स्पर्श रेखा ऐसे गुजर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है और ये यहाँ टच कर रहा है, तो कितनी टेंजेंट लाइन हो गई? तो आप कहेंगे दो टेंजेंट लाइन हो गई। तो सही समझा आप लोगों ने, सही कहा। जैसे यहाँ पर कोई वृत्त के बाहर एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से इस वृत्त पर मात्र दो ही टेंजेंट लाइन खींचे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खींचे जा सकते। ओके, और अगर पूछा जाए कि इसके वृत्त के इंटीरियर पार्ट पर या अभ्यंतर पर कोई पॉइंट है, और इससे कितने टेंजेंट लाइन खींचे जा सकते हैं, तो हम कहेंगे कि इस
अंदर के अंदर में इस वृत्त के कोई अभ्यंतर में अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट से एक भी नहीं यानी जीरो टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इससे अगर हम खींचे कोई भी लाइन तो यहाँ तो एक पॉइंट टच हुआ और इधर एक पॉइंट टच हो जाएगा जो यहाँ पर है। तो ये दो पॉइंट पर इस लाइन से होकर जब लाइन कोई गुजर रही है तो वृत्त के परिधि पर वृत्त के सर्कमफेरेंस पर किन्हीं दो पॉइंट पर काट रहा है। कितने पॉइंट पर? दो पॉइंट। तो जब दो पॉइंट पर काटता है तो उसे टेंजेंट लाइन नहीं कहा जाता है बल्कि क्या कहा जाता है? सेकेंड लाइन या छेदक रेखा कहा जाता है। तो ये छेदक रेखा हो जाएगी यानी अगर वृत्त के अंदर यानी अभ्यंतर पर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से कोई भी यानी जीरो जो है टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। और अगर पूछा जाए इस वृत्त के किसी भी पॉइंट पर यानी वृत्त के परिधि के ऊपर सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई एक पॉइंट है और उससे पूछा जाए कि इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं, तो पहले ही मैंने कहा था कि किसी परिधि के किसी एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। कितने? एक ही टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं, ओनली वन। एक पॉइंट पर एक टेंजेंट, एक पॉइंट पर एक टेंजेंट। इसी तरीके से इस वृत्त में अनंत, पहले कहा था कि अनंत पॉइंट होते हैं, इसलिए अगर वृत्त से पूछे कि वृत्त से कितनी टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं तो आंसर होगा अनंत। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को जो है इस पॉइंट्स पर इतने सारे पॉइंट्स जो बताएं अभी तक आप लोगों को, मुझे आशा है कि अच्छे तरीके समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपको उस पॉइंट के बारे में फिर अच्छे तरीके से बताएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और आज की क्लास अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक बनता है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो जो है आगे आपको मिलती रहे और आपके जो मैट्रिक एग्ज़ाम है या क्लास नाइन्थ की एग्ज़ाम है आप लोग अच्छे तरीके से मार्क्स लेके आएँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।